जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जनता ने अपने मैंडेट के जरिए दिखा दिया है कि वह 5 अगस्त के फैसले यानी धारा 370 हटाने के फैसले को स्वीकार नहीं करती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी, महंगाई और नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए हम काम करेंगे। दरअसल केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वहीं बीजेपी दूसरे पायदान पर है। फारूक अब्दुल्ला ने नतीजों के लिए जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों का आभार जताते हुए कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला होंगे। उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम और गांदरबल दोनों सीटों से चुनाव लड़ा है। बड़गाम में वह जीत हासिल कर चुके हैं, वही गांदरबल में भी लगातार आगे चल रहे हैं। लोगों ने अपना फैसला दिखा दिया है, लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जो इन्होंने इकदाम 5 अगस्त को किए थे वो लोगों को मंजूर नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ये जीत मिली है? मैंने एक्सपेक्टेशन तो छोड़ दीजिए, काम बहुत करने हैं, मुश्किलात दूर करने, यहाँ पे जो बेकारी है उस बेकारी को दूर करना है, बेरोजगारी को दूर करना है, यहाँ पे जो महंगाई है उसकी तरफ देखना है, जो ड्रग मैनेस है जो इस रास्ते खा रहा है उस ड्रग मैनेस को खत्म करना है। इसके लिए हमने कायम करने हैं वो सेंटर्स जहाँ पे इनका इलाज हो सकता है। आज एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और 4 मुशीर नहीं होंगे, आज 90 लोग जो होंगे यहाँ की इसके मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको